शायद ही कांग्रेस की कोई ऐसी सरकार रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है। क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नौजवान बताएं, क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है, हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। शायद ही कांग्रेस की कोई ऐसी सरकार रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, शायद ही कोई ऐसी नहीं। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाना। क्या यह सच नहीं है कि 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यह सरकार काम कर रही है? भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति बोली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही अटूट रिश्ता है। मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, मैंने प्यार किया, और उस फिल्म में सलमान थे और नायिका कौन थी वो तो मैंने नहीं देखा था। आप जानते होंगे बच्चे, देखा था? एक गाना था, तू चल मैं आई, एक गाना था तू चल मैं आई। ऐसा ही रिश्ता करप्शन का और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है ऐ कांग्रेस तू चल फिर मैं आई। आपने देखा होगा जहां भी कांग्रेस आई वहां करप्शन ये पहुंच गया, ये हालत है। और कांग्रेस तो सारे देश में समाप्त हो रही है। आपने देखा कि जिस कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में सरकार यदि किसी राजनीतिक पार्टी की थी तो कांग्रेस की थी, लेकिन अब कांग्रेस समाप्त हो रही है। गिने चुने 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें रह गई हैं, छोटे छोटे राज्य। यह हालत है। मैं कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों होगा? तो मैंने भाइयों बैठे इस नतीजे पर पहुंचता हूं। क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नौजवान बताएं, क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है, हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। और यही कारण है कि बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब आगे नहीं कहूंगा।